उग्रसेन सिंह श्रीनेत्र राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन बिलनपुर खत्ता स्थित मैना देवी इंटर कॉलेज में शनिवार को संपन्न हो गया। उग्रसेन सिंह श्रीनेत्र राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ली थी, जिसमें 2 टीमें फाइनल में पहुंची। 2 दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के IG जनरल सिंह, CO गोरखनाथ प्रवीर सिंह और पूर्व विधायक अनुग्रह सिंह पहुंचे। फाइनल मैच के आयोजन से पहले विद्यालय प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथियों को पुष्प और अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर IG जनरल सिंह, CO गोरखनाथ प्रवीर सिंह और पूर्व विधायक अनुग्रह सिंह ने मैना देवी इंटर कॉलेज के संस्थापक रहे उग्रसेन सिंह श्रीनेत के चित्र पर पुष्प व माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट के फाइनल मैच का शुरुआत किया। उग्रसेन सिंह श्रीनेत राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट में 16 टीमों को पछाड़कर मैना देवी इंटर कॉलेज और इंद्रासन इंटर कॉलेज फाइनल मैच में पहुंची। फाइनल मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को छकाते हुए लीड करती नजर आ रही थी, लेकिन मैच जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मैना देवी इंटर कॉलेज की टीम विरोधी टीम पर हावी होती गई और अंततः फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब रही। इस मौके पर गोरखपुर के IG जनरल सिंह, CO गोरखनाथ प्रवीर सिंह, पूर्व विधायक अनुग्रह सिंह एवं विद्यालय के प्रबंधक मंजू सिंह, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैना देवी इंटर कॉलेज के संरक्षक अभिषेक सिंह और गोरखपुर के IG जयनारायण सिंह ने कहा। श्री अभिषेक सिंह जी, श्रीमती मंजू सिंह जी द्वारा प्रबंधक संरक्षक श्री अभिषेक सिंह और प्रबंधक श्रीमती मंजू सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को और विशेष अतिथि को पुष्पांजलि स्थल तक ले जाएं। आपकी तालियां बजनी। मुख्य अतिथि श्री जय नारायण, विशिष्ट अतिथि श्री हरिशंकर सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रबंधक श्री। हमारे इस मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री जय नारायण सिंह जी द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर आपके द्वारा इन होनहार बच्चों का, इन खिलाड़ियों का संक्षिप्त परिचय से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री जय नारायण सिंह जी, पुलिस महानिरीक्षक और इंद्रासना इंटर कॉलेज के बच्चे रेड करते हुए और गुड रेडर 1 पॉइंट प्राप्त किया इंद्रासना इंटर कॉलेज ने। ऑल इंडिया चैंपियन खिलाड़ी है ये। और जो रेफरी कहेंगे कोई निर्णय मान्य होगा, बहुत अच्छा। और Thank you.
स्वर्गीय गुरसेन सिंह सिन्हे जी की याद में हम लोग राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो हर साल इसको इसी दिन इसी तिथि पर आयोजित किया जाता है और लगभग दो दिनों से दो दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है। 8 और 9 को उद्घाटन किया गया था, जिसमें राज्य मंत्री माननीय अश्विनी त्रिपाठी जी, अरुणेश शाही जी जिला संघ के कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह जी, और समापन के समय माननीय आईजी गोरखपुर जय नारायण सिंह जी ने अपना बहुमूल्य समय दे के स्वर्गीय कृष्ण सिंह राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उन्होंने समापन किया। इसमें लगभग 20 टीमें उन्होंने भाग लिया था, जिसमें आज फाइनल में इंद्रेशनी इंटर कॉलेज और मैना देवी का मैच हो रहा है। कबड्डी जैसा हमें मालूम जाते हैं हमारे ग्रामीण अंचल का जाते हैं एक ऐसा खेल जाते हैं जिसमें जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, और अब जो आप देख रहे हो प्रो कबड्डी के माध्यम से जाते हैं इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया जाते हैं। तो आज इस प्रतियोगिता की फाइनल में मैं उपस्थित हूँ, सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ भी दिया हूँ, और यहाँ के जो प्रबंधक और संरक्षक हैं इन लोग को मेरा विशेष रूप से कि इसी तरह जाते हैं अपने जो स्कूल कॉलेज हैं जाते हैं वहाँ पर जाते हैं इस तरह खेलों का जो है प्रोत्साहन करते रहें। जो यूथ को मेरा ये कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ जाते हैं खेल भी उतने ही आवश्यक है जाते हैं जो है, और विशेष रूप से मैंने अभी लोगों को कहा भी जाते हैं कि अपना जो इंटरनेट है कंप्यूटर है उससे थोड़ा दूर रह करके जाते अपना जाते हैं थोड़ा खेल की तरफ भी जाते हैं ध्यान दे जाते हैं, ये केवल जरूरी है जाते हैं उनके लिए फिट रहने के लिए भी स्वस्थ रहने के लिए भी, इसके अलावा जाते हैं मतलब इससे उनके जो है पढ़ाई और उस पर भी जाते हैं अच्छा सुधार होता है।